तो ये एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का इन 2D में। सपोज एक बॉल है, वी वेलोसिटी से मूव करती है। सेकेंड बॉल है आइडेंटिकल है, लाइंग एट रेस्ट। तो एक बॉल है एम और आइडेंटिकल मास है, ठीक। रादर मुझे लिखना नहीं चाहिए, मैं इसमें हटा रहा हूँ, बस ये 2D कोलिजन है, क्योंकि इलास्टिक बोल दिया तो आप ना 90 डिग्री के चक्कर में पड़ जाओगे, तो मेरे को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो हेडिंग काट दो, बस एक बॉल है वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो कोई भी कोलिजन हो सकती है, मोमेंटम कांस्टेंट है, और एक दूसरी बॉल है। टक्कर के बाद क्या हुआ, जो ये बॉल है, जो जो इसमें एक बॉल है, ये ऊपर चली गई टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद ये ऊपर चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बाय √3। इनमें से एक बॉल स्ट्रेट वे ऊपर चलेगी विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बाय √3, दूसरी की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर एक बॉल की वेलोसिटी मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरे की निकालनी है। आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मास बराबर है, इतना हिंट जरूर दे रहा हूँ। तो आपको सेकेंड बॉल की स्पीड निकालनी है, ये क्वेश्चन है। इलास्टिक इनइलास्टिक जो मर्जी मान लो, मोमेंटम कांस्टेंट से होना है। अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं पूछने वाले, मतलब रटा टाया क्वेश्चन नहीं पूछते कि वहीं पर दो बॉल ऐसी जाएंगी। आप बस मुझे एक चीज़ अगर आंसर दे देना, एक लाइन में आंसर आएगा, बस मुझे ये बता दें कि जब इसने इसको टक्कर मारा तो ये खुद तो चल पड़ी ऊपर, ये कहाँ गई, दूसरी दूसरी कहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये ना सोच पाए फिर क्वेश्चन सारा गलत है। ओके, कितने लोग बोलते हैं सीधा? ना, गलत है सीधा। क्यों गलत है, इसका आंसर दो साथ साथ। सीधा क्यों गलत है, क्योंकि वाई का मोमेंटम कंजर्व होएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ तो वेक्टर वाई के अलोंग भी होना चाहिए, और अगर तुम सीधा बोलोगे वाई जीरो, गलत गलत है, नहीं। ओके, कितने लोग बोलते हैं नीचे? अगर नीचे बोलते हैं भाई, एक्स का मोमेंटम के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कहाँ गई, ऐसे गई, बिल्कुल सही। तो आपकी ये बॉल ऐसे ही जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स में जाएगी तो वाई अधूरा रह जाएगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा। वाई में जाएगी तो एक्स नहीं हो पाएगा। तो ये कहाँ गई, ये यहाँ पे आ गई विद द वेलोसिटी ऑफ वी, सच दैट ये एंगल एज्यूम कर लो कितना है, थीटा। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, तो इसका मास तो एम है, तो एक वेक्टर यहाँ जाएगा, दूसरा वेक्टर यहाँ पे आएगा। तो पहला वेक्टर एम वी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, एम वी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। हाँ, वी डैश कर लो। ओके, वी डैश वी डैश वी डैश, राइट, वी ले लिया ना इसलिए, ठीक है। देखता हूँ, पता नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने आपको एक रूल सिखाया था, एक्स के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट। चलो एक्स के अलोंग, टक्कर से पहले मोमेंटम कितना है, एम वी, टक्कर के बाद कितना है, एम वी डैश कॉस ऑफ थीटा। एम से एम कैंसल, तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसके इक्वल आ गई, सही है। अब वाई का मोमेंटम, वाई एक्सिस में टक्कर से पहले मोमेंटम जीरो, सेकेंड बॉल रेस्ट पे जीरो, टक्कर के बाद एक मोमेंटम एम इंटू वी बाय √3, और दूसरा नीचे की तरफ एम वी डैश साइन ऑफ थीटा। एम से एम भी कट गया, तो वी डैश साइन थीटा की वैल्यू वी बाय √3, सही है। अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वी डैश।
तो इसमें अगला स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन एंड टू को स्क्वेयरिंग एंड ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, वी स्क्वेयर प्लस वी बाय रूट थ्री का होल स्क्वेयर ये रहा इज इक्वल टू वी डैश इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा जो कि वन है, तो वी डैश स्क्वेयर रादर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये वी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर बाय थ्री हो गया इज वी डैश का स्क्वेयर। वी डैश कितना आ रहा है, ये आ रहा है, चेक करो यही आ रहा है,